भरतपुर में मौजूद 112 साल पुरानी हिंदी साहित्य समिति पर नीलामी की तलवार लटक गई है। राज्य सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिल पाने के चलते ये समिति सालों से आर्थिक संकट झेल रही है। यहाँ के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाने के चलते अब कोर्ट ने नीलामी का नोटिस भेजा है। कोर्ट ने 16 जनवरी का नीलामी का नोटिस जारी किया, इसको बढ़ाकर 16 फरवरी यानी कि आज तक के लिए बढ़ा दिया गया था। तो क्या आज ये लाइब्रेरी की नीलामी हो जाएगी? एक रिपोर्ट आप देखिए। उन्नीस सौ बारह में स्थापित ये वो संस्था है जिसके पास 450 साल पुरानी 1500 से ज्यादा पांडुलिपियां, 44 विषयों की किताबें और तमाम साहित्य है। रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, मोरारजी देसाई, राम मनोहर लोहिया समेत कई मशहूर हस्तियां यहां आ चुकी हैं। लेकिन बजट की तंगी के चलते ये संस्था नीलाम होने के कगार पर है। समिति से जुड़े लोगों की मौजूदा सरकार से दरख्वास्त है कि संस्था को नीलाम होने से बचा लें। लगभग 112 साल पुरानी संस्था है जो अगस्त 1912 में प्रारंभ की गई थी। हिंदी के क्षेत्र में जो नाम श्री हिंदी साहित्य समिति भरतपुर ने कमाया है वो शायद ही किसी संस्था ने कमाया हो। पिछली कांग्रेस सरकार ने इस संस्था के लिए 5 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की थी, लेकिन उसमें से 1 करोड़ 11 लाख का बजट ही मिल सका। हिंदी साहित्य समिति में कुल 6 कर्मचारी कार्यरत थे, जिनमें से 4 सेवानिवृत्त हो गए। वर्तमान में 2 कर्मचारी हैं। जुलाई 2003 में संस्था को सरकार द्वारा अधीन लेने के बावजूद कर्मचारियों को अपना पूरा वेतन नहीं मिल पाया। इसकी वजह से कोर्ट ने 16 जनवरी का नीलामी का नोटिस जारी किया था, जिसे बढ़ाकर अब 16 फरवरी कर दिया गया है। वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से और वर्तमान सरकार से आग्रह है कि इसको जल्दी से जल्दी इसको संकट को दूर करें और इसको जो बकाया अनुदान जो बजट में दिया गया था उसको दिलाकर इसकी समस्या को समाप्त करें। यूं तो सरकारें हिंदी को बचाने और बढ़ाने की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन इतनी पुरानी संस्था को अगर घोषित बजट ही ना मिल पाए तो सब वादे बेकार नजर आते हैं। अब देखना होगा कि क्या मौजूदा सरकार इस संस्था को नीलामी से बचा पाएगी। दिल्ली से समीक्षा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।